अशरफ के हथियारे के तार। दरअसल पानीपत का रहने वाला है शूटर। 6 महीने पहले गांव आया था शूटर अरुण मौर्य। गांव में अरुण का किसी से झगड़ा हुआ था। हालांकि यूपी में चाचा चाची के साथ अरुण मौर्य रहता था। और खबर से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो हरियाणा से जुड़े हैं अतीक अशरफ के हत्यारे के तार। बता दें कि पानीपत का रहने वाला है शूटर अरुण मौर्य। 6 महीने पहले शूटर अरुण गांव भी आया था। यहाँ से गया, मैं गांव में था। पापा घर पे थे, जॉब करते नहीं है, घर पे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं गांव में था। तो लास्ट बार कब बात हुई आपकी इससे? मेरी उससे ये मान लो बुधवार से पहले कोई बात नहीं। बुधवार को मेरे पास वहाँ काम कर रहा था। कहाँ पर? फैक्ट्री में। हाँ, उसके बाद उसके नहीं 25 हेक्टेयर उसमें। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले पर अब तक क्या क्या चीजें सामने आई हैं? फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस तरीके से प्रयागराज के अंदर अशरफ और उसके भाई जो है अतीक अहमद का जिस तरीके से मर्डर हुआ था, सरेआम जो है गोलियां चली थी, उसके बाद जो है और लगातार जो है 3 शूटरों का नाम आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरुण मौर्य जो है, जो ये विकास नगर, पानीपत के विकास नगर का बताया जा रहा है कि वहीं पर रहने वाला है और इसका जन्म भी यहीं पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 6 महीने के अंदर एक रिकॉर्ड भी हुआ था जिसमें पुलिस, पानीपत की पुलिस ने इसको अरेस्ट भी किया था। एक तो काफी मामले भी यहाँ पर इस पे 2-4 छोटे-मोटे दर्ज है। और इसी को लेकर उनके जो हमने परिवार के जो चाचा थे उनसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा था कि ये शादी का एक बताया गया कि शादी में शामिल होने के लिए यहाँ से जा रहा है और उसके बाद ये वारदात हो जाती है। वारदात होने के बाद पानीपत पुलिस भी जो है लगातार तहकीकात कर रही है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये भी बड़ी बहुत बड़ी साजिश है कि ये किस तरीके से उन दोनों शूटरों से मिला और इस तरीके से वारदात को अंजाम दे दिया। जी जितेंद्र, क्या लग रहा है, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आई है कि हरियाणा से जुड़े ही अतीक अशरफ के हथियारे के तार, तो ऐसे में अरुण का नाम तो सामने आ गया है, क्या कोई और हथियारे भी हैं जिनका नाम सामने आया हो? नहीं, अब ये तो जांच है। ये आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इतना हाई प्रोफाइल मामला है। हाँ। इस मामले में लगातार जो है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अतीक अहमद हो और या अशरफ हो, जिस तरीके से उनको शूट किया लगातार, उन्होंने बाकायदा इस मामले में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था। अब इस मामले में चारों तरफ की पुलिस जो है वो भी तहकीकात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस जो है या CIA कई टीमें जो है वो घर पर दबिश दे रही है कि कहीं यहीं तो ये योजना नहीं बनाई गई। तो अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कुछ निकाल पाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पानीपत से इसके तार जुड़े हैं, क्योंकि पानीपत के विकास नगर में ही ये पैदा हुआ और यहीं पर रहा और यहां पर भी एक तो ऐसी वारदात की है जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज करके इसको जेल भी जाना पड़ा था अरुण मौर्य को। अब ये देखना ये है कि इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। और सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरीके से यूपी पुलिस ने तीनों को अरेस्ट किया हुआ है, तीनों से जांच हो रही है 15 दिन के लिए। देखिए कोर्ट ने उनको जो है, कोर्ट ने जो है जेल भेजा हुआ है। तो उसके बाद जो है हो सकता है पानीपत पुलिस उसको लेकर आए और उसमें जांच हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि किस तरीके से इन लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ये साजिश रची। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए, जानकारी देने के लिए।